अब खबर डोईवाला से है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय जॉली ग्रांट में पोलिंग बूथ के सामने शौचालय के गड्ढे खुदने से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के प्रांगण में जिस जगह पर RWD विभाग ने शौचालय निर्माण के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बता दें कि स्थानीय बच्चे वॉलीबॉल मैच खेलते हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग बूथ भवन भी ठीक उसी के सामने है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों की मांग है कि स्कूल प्रशासन ने शौचालय को स्थानांतरित कर उचित स्थान पर बनाया जाए, जिससे कि वोटिंग के लिए आने जाने वाले लोगों और बच्चों को खेलने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। इससे पहले भी RWD की डी विभाग ने मानकों को ताक पर रखकर शौचालय का निर्माण कराया था, जो कि अधूरा है और उसके गड्ढे की वजह से बच्चे चोटिल हो गए हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आप ये देख रहे हैं, 4 शौचालय है, एक स्टाफ का, 2 इसके पीछे है, 1 इसके अंदर है, 2 पीछे। बच्चे हैं यहाँ 15-20 और 100 मीटर की दूरी पे दूसरा प्राइमरी स्कूल है। हमारी तो एक मांग तो सबसे पहले यह है कि दोनों प्राइमरी स्कूल को एक कर दिया जाए, और दूसरी बात यह है कि बच्चे हमारे यहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं, कम से कम अगर इन्होंने यहाँ पे शौचालय अगर कोई इतनी आवश्यकता बात थी तो कम से कम सबसे बात कर करके ये साइड में बनना चाहिए था। अब ये बीच फील्ड में इन्होंने कोई तरीका है, मुझे लग रहा है ये मैडम यहाँ पे, क्योंकि मैडम के बच्चे तो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, इन्हें तो कोई यहाँ पे क्षेत्र वाले वासियों से, और इन्होंने तो अपनी तनख्वाह पूरी करनी है और निकलना है यहाँ से। तो हम तो अभी इसके चुनाव के तुरंत बाद ये DM साहब से बात करेंगे, एक तो दोनों प्राइमरी स्कूल को एक किया जाए, और दूसरी जो इनके ये शौचालय जो बार बार इनके हर साल जो शौचालय बनते हैं, जो एक जो खाना पूर्ति होती है, इसमें रोक लगाई जाए। ग्रामवासियों की और हमारे भूतपूर्व प्रधान जी सागर मनवाल जी और सब लोगों का कहना है कि इसको जहाँ पे जगह चयनित विद्यालय द्वारा की गई है उस पर न बना करके पीछे की तरफ बना दिया जाए, और पीछे की तरफ थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही है पर उसको हम बना सकते हैं, वैसे अगर सब लोग सहमत हो तो हम लोग उसको बना सकते हैं। मैडम ने तो किसी प्रतिनिधि से भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी से खुदवा दिया बीच ग्राउंड में, जिसको लेकर लोगों का आक्रोश था। लोगों के फोन आने पर सागर मनवाल जी आए, मैं भी आया, तो फिर जय को बुलाया, जय ने उसका समाधान कर दिया कि किनारे में एक किनारे में बन जाएगी, जिससे ग्राउंड भी रहे और शौचालय भी बने।